In the last video, we will discuss about how to balance the chemical equations. And today, we will discuss about the types of chemical reaction. बच्चों, हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कई तरह के होते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस को देखते भी हैं, बट उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते कि कौन सा रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, किस कैटेगरी का रिएक्शन है. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं. नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नंबर 4, ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टूगेदर एंड फॉर्म ए बिग साइज सब्सटेंस. यानी कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके कुछ बड़ा बनाते हैं. बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे पास है. बर्निंग ऑफ कोल, सी प्लस ओ टू गिव्स आउट सीओ टू. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एच टू प्लस ओ गिव्स आउट एच टू ओ. बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं इसको, मैं आपको सिंबोलिक फॉर्म में समझा रहा हूं कि एच टू प्लस ओ गिव्स आउट एच टू ओ. ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. क्लियर? सी ए प्लस ओ यानी कैल्शियम और प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट सी ए ओ, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एस प्लस ओ टू गिव्स आउट एस ओ टू, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. इसको आप एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं. जैसे अभी आपने देखा कि सल्फर और प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, किसका फॉर्मेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का. हाइड्रोजन और प्लस वाटर कंबाइन हुए, किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का. तो वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं कंबाइन, कंबाइन मीन ऐड हो जाना, जुड़ जाना, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर ऐसे ही हम कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लें और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा. जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CHCO2 और प्लस H2O. अब बैलेंस आप करिएगा इसको, ये बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस करना मैंने आपको बता रखा है. अब एक एक्टिविटी हम लेते हैं कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो हम क्या चेंज देखते हैं. ये एक्टिविटी आपकी बुक में है भी. तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को वाटर में डिजोल्व करेंगे यानी प्लस H2O गिव्स आउट, तो CaOH होल ट्वाइस यानी, और प्लस जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो वेसल यानी बर्तन गर्म महसूस होगा यानी हीट प्रोड्यूस होगा. तो जब भी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से एडिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस हीट प्रोड्यूस होगी. इसको आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कभी कि हमारे घरों में चूना आता है, चूना ही कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हिंदी में कली चूना भी कहते हैं. इसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो ढेर सारा फ्यूम यानी धुआं निकलता है और बुलबुले बनने लगते हैं और उस वेसल यानी बाल्टी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है यानी बाल्टी गर्म हो जाती है. हम हाथों से टच करके भी देख सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में है, आप इसको करके भी देख सकते हैं. एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि अगर हम इस CaOH होल्ड वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हिंदी में बुझा चूना कहते हैं और इंग्लिश में लाइम वाटर कहते हैं, अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा. देखते हैं, CaOH होल्ड वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3. तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर का फॉर्मेशन हुआ. तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और प्लस वाटर रिमूव होती है. अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम सभी ह्यूमन बीइंग है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग है. अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि हम लोग एनिमल हैं या प्लांट हैं.
अगर आप बोलते हो ह्यूमन है, ये ह्यूमन भी जो एनिमल कैटेगरी के हैं, तो हम सब एनिमल हैं। तो दुनिया के जितने भी लिविंग सेल्स हैं या लिविंग एनिमल्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी रेस्पायरेशन करते हैं। अब रेस्पायरेशन अगर आपसे पूछे तो आप सिंपल सी बात बोल दोगे, सर ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये रेस्पायरेशन नहीं है। ये रेस्पायरेशन का एक बहुत ही ब्रीफ सा डेफिनेशन है जो आपको पढ़ाया गया है। रेस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो खाना हम खाते हैं, उस खाने का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और प्लस हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ये क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि ये एडिशन रिएक्शन है, हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया है। ये इसमें दो चीजों का योग हो रहा है, दो चीजें आपस में प्लस हो रही है। ये अब हम डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो सबसे पहले जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या। नेम से क्लियर है, डिकम्पोज हो जाना, इसको हम ब्रेक रिएक्शन भी कह सकते हैं, हिंदी में विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यानी कोई भी चीज बड़ी थी, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गई। सरल भाषा में हम कहें तो जैसे हम बड़े नोटों के छुट्टे कराते हैं, एक्सचेंज लेते हैं उसका, तो वो चेंज क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी कि 100 रुपए का नोट 50 रुपए के दो नोटों में ब्रेक हो गया, 20 रुपए के 5 नोटों में टूट गया, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मीन वी कैन से दैट दैट केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इंटू टू आर मोर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर हम हीट कर देंगे गिव्स आउट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो CaO प्लस CO2। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आपको दिख भी रहा है कि CaCO3 ब्रेक हो गया CaO और CO2 में, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम फेरस सल्फेट Fe(SO4) को डिकम्पोज करें तो ये भी कैसे डिकम्पोज होगा देखते हैं। तो Fe(SO4) फेरस सल्फेट है, बैलेंसिंग आप देखिएगा इसको, तो Fe(SO4) को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हुआ, यानी ये अपघटित हो गया दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, क्लियर। सेम ऐसे ही अगर हम लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को ब्रेक डाउन करें तो PbNO3 लेड ऑक्साइड यानी PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और प्लस ऑक्सीजन यानी O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बैलेंसिंग आपको दिख रही होगी, क्लियर। तो लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को ब्रेक करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सब्सटेंस एक था लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पर सब्सटेंस तीन है, क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ यानी ब्रेक डाउन हो गया। अब डिकम्पोजिशन पे एक नई बात जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन तो होता है, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ कंडीशंस के अंडर में होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन यानी उन परिस्थितियों के आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई तरह के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिक के इफेक्ट में कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए तो उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कह सकते हैं या हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। कोई सब्सटेंस अगर सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस हीट के कारण डिकम्पोज हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। तो वर्ड सब्सटेंस तो याद रखिएगा, थर्मल नाम का वर्ड कहीं भी आए हीट, फोटो नाम का वर्ड कहीं भी आए सनलाइट, क्लियर, और इलेक्ट्रोलिसिस नाम का वर्ड कहीं भी आए तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ डिकम्पोजिशन इन विच ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, यानी NaCl गिव्स आउट पे इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा और गिव्स आउट के बाद Na+ प्लस Cl- यानी सोडियम क्लोराइड खाने वाला जो हमारा नमक है वो ब्रेक हो गया सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। ये क्या था, ये एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था। अब बात करते हैं हम
तो फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, प्रोसेस वही है डिकम्पोजिशन, बट प्रेजेंस किसका है? सनलाइट का, जैसे इसका नाम क्या हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, अगर इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करेंगे तो Ag+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, अगर हम PCl5 को हीट करें या सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की, तभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 गिव्स आउट हीट के प्रेजेंस में ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। तो ये क्या था? ये था तो डिकम्पोजिशन ही, बट किसके प्रेजेंस में हुआ? हीट के प्रेजेंस में, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो फोटो मीन लाइट, थर्मल मीन हीट, और इलेक्ट्रोलिसिस मीन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डिस्कस करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेस के वर्ड की मीनिंग ही क्लियर है, डिस्प्लेस कर देना, अपने प्लेस से उसको किसी एन अदर प्लेस पर शिफ्ट कर देना, यानी कि कोई यहां पर था अब वो वहां पर है, या कोई भी सब्सटेंस इनके साथ था अब वो इनके साथ है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता दो तरह से है, अगर किसी एक सब्सटेंस में डिस्प्लेस हो रहा है तो वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर दोनों सब्सटेंस में इन्वॉल्व है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हम पहले बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो सपोज दैट कि हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो CuSO4 और प्लस Zn, जिंक गिव्स आउट, तो जिंक इस CuSO4 से SO4 को ले लेगा और बन जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सेम ऐसे अगर हम CuSO4 का सोल्यूशन ले और प्लस Fe उसके अंदर डिजॉल्व कर दें, तो Fe क्या करेगा कि Cu से उसका SO4 ले लेगा और बना देगा FeSO4 और प्लस Cu को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही एक रिएक्शन आपने देखा है Zn प्लस H2SO4, यानी जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 ये Zn ले लेता है और गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। ये हाइड्रोजन प्रिपरेशन की लेबोरेटरी मेथड भी है, ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट इसमें इन सभी रिएक्शंस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसी एक सब्सटेंस में हो रहा है, इसलिए क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, हिंदी में द्विप्रतिस्थापी अभिक्रिया। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा, इसमें किसी एक सब्सटेंस में डिस्प्लेस होता है। अब अगर यही डिस्प्लेसमेंट दो चीजों में होने लगे, दो सब्सटेंस में होने लगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो कुछ खास नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें BaCl2 से, तो बेरियम यहां से SO4 को अपने साथ अटैच कर लेगा। अभी तक SO4 था किसके पास? सोडियम के पास। अब किसके साथ अटैच है? बेरियम के साथ में, तो गिव्स आउट BaSO4 और प्लस NaCl, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इन दोनों ने, सोडियम ने अपने सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड ने अपने क्लोरीन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, तो क्या हुआ? डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में सोडियम का सल्फेट भी इन्वॉल्व था और बेरियम का क्लोराइड भी इन्वॉल्व था, इसलिए डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये यूजफुल लग रही है, तो आप इसको जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने छोटे भाई बहनों को भी इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें। थैंक यू।